जब भी कोई बड़ा डिप्लोमेटिक घटनाक्रम होता है तो हम आपके लिए एक ऐसी अपडेट तो जरूर लाते हैं जिसको मेन मीडिया हाउसेस कवर नहीं करते हैं या फिर उनकी नजर से निकल जाती है। कुछ दिन पहले जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन भारत आए थे उस समय भी एक ऐसा ही घटनाक्रम हुआ था। बोरिस जॉनसन को गुजरात के गांधीनगर से वडोदरा के पास हलोल में स्थित जेसीबी के प्लांट तक जाना था जिसके लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाना था। भारत ने इसके लिए रशिया से परचेज किए गए Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स अरेंज किए थे लेकिन ब्रिटेन ने Mi-17 हेलीकॉप्टर के ऊपर बोरिस जॉनसन को बिठाने से अचानक से मना कर दिया था, जिसके बाद बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा से कुछ ही घंटे पहले भारतीय सरकार को अमेरिका से परचेज किया गया चिनूक हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ से गुजरात लाना पड़ा था और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इसी के ऊपर बैठकर गांधीनगर से वडोदरा गए थे। ये खबर भी हमने आपको सबसे पहले डिस्क्लोज की थी और अब जर्मनी से भी एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसको हम ही डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें और हमारी वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेन खबर पर आए तो हम सबको पता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर इस समय विदेश यात्रा पर गए हुए हैं जहां पिछले कल उन्होंने जर्मनी से शुरुआत की। रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया के कई मीडिया हाउसेस थिंक टैंक और इवन रशिया की भी पीएम मोदी की इस विजिट के ऊपर लगातार नजर बनी हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जर्मनी में जाकर क्या बोलते हैं। जर्मनी के साथ तो भारत की बहुत ही पॉजिटिव बातचीत रही। जर्मनी ने भारत को साल 2030 तक एड के रूप में 10 बिलियन यूरो देने की भी घोषणा की जिसका इस्तेमाल भारत में क्लीन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में होगा, जिसके तहत भारत में हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाने, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने और एग्रीकल्चरल लैंड यूज को इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कई एग्रीमेंट भी साइन हुए लेकिन इस मीटिंग की हाईलाइट वो नहीं था। आपको पता होगा कि जब भी दो देशों के लीडर्स किसी भी देश में बायलेटरल मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग के बाद वो एक साथ मीडिया के सामने आकर मीटिंग के बारे में मीडिया को बताते हैं और प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया से कुछ सवाल भी लेते हैं। सेम प्रोटोकॉल इंडिया में भी और विदेशों में भी फॉलो किया जाता है। आपने देखा होगा कि हाल ही में जब जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा और फिर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन भारत आए थे तब भी भारत में यही हुआ था। जर्मनी में भी इसी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाना था और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स को वहां पर मीडिया को संबोधित करने के बाद कुछ सवाल लेने थे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जर्मनी समेत पूरे यूरोप में रशिया के खिलाफ माहौल बना हुआ है, ऐसे में मीडिया पर्सन्स भी पीएम मोदी से इसी मुद्दे के ऊपर सवाल पूछने के लिए उत्सुक थे मगर पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स की प्रेस ब्रीफिंग के बाद मीडिया से कोई सवाल नहीं लिए गए, जबकि नॉर्मली इस तरह की प्रेस ब्रीफिंग के बाद जर्मनी में प्रेस से कम 4 सवाल तो हमेशा लिए जाते हैं। इस घटनाक्रम को लेकर यूरोप के बड़े मीडिया हाउस यूरो न्यूज ने जर्मन अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट किया है कि भारत से जो डेलीगेशन जर्मनी गया था उसने मीटिंग से कुछ ही घंटों पहले जर्मनी से रिक्वेस्ट की थी कि रशिया यूक्रेन युद्ध भारत के लिए बहुत ही सेंसिटिव मसला है, मीडिया अपने सवालों में पीएम मोदी के सामने इस मुद्दे को तो जरूर उठाएगी जो कि भारत नहीं चाहता है। इसलिए भारत नहीं चाहता है कि इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर से कोई क्वेश्चन लें और जर्मनी की गवर्नमेंट ने भी भारत की इस मांग को तुरंत मान लिया। इसके अलावा ये अरेंजमेंट भी हो सकता था कि मीडिया से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए जाएं जिनमें रशिया यूक्रेन का जिक्र ना हो, लेकिन ये तो हम सबको बताएं कि अगर क्वेश्चंस में इस समय का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट रशिया यूक्रेन मसला ही नहीं उठता तो सबको पता चल जाता कि ये क्वेश्चंस पहले से फ्रेम किए गए हैं। ऐसे में बेहतर विकल्प यही था कि मीडिया से सवाल ही ना लिए जाएं और जर्मन गवर्नमेंट भी भारत की इस बात के लिए राजी हो गई। जहां तक बात है इस मुद्दे के ऊपर बोलने की तो ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने इस मुद्दे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं बोला हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जर्मनी में अपनी स्पीच के दौरान साफ तौर पर कहा कि इस युद्ध में कोई भी देश नहीं जीतेगा और दोनों देशों को युद्ध जल्द से जल्द रोकना चाहिए। भारत ने सिविलियन कैजुअल्टीज की भी निंदा की थी। हाँ, बस जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स की तरह पीएम मोदी ने रशिया को बुरा भला नहीं बोला। खैर, जर्मनी में मीडिया के सवालों को अवॉइड करके क्या पीएम मोदी ने सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।